क्लास 8 हिंदी लेसन 3 मेरी यूरोप यात्रा। तो चलिए डाल लेते हैं हम एक नज़र कल पर कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो कल हम लोगों ने पढ़ा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अजायब घर देखने के बाद प्राचीन और प्रसिद्ध इमारतें भी देखे और इसके बाद पिरामिड भी देखने गए, रेगिस्तान में एक विचित्र मूर्ति भी देखे जिसे स्फिंक्स कहा जाता है, प्राचीन काल में यह प्रश्नों के उत्तर भी देती थी। तो इसके बाद वो जाते हैं मार्सेल्स फ्रांस। अब देखते हैं हम आगे, वे बताते हैं कि मार्सेल्स में हम लोग सवेरे ही उतरे, वहां एक होटल में ठहर गए। वहां भी थॉमस कुक कंपनी की नौका से शहर के देखने योग्य सभी स्थानों को देख लिया। सवेरे जहाज से उतरते ही रात को रवाना होने वाली रेलगाड़ी में अपने लिए मैंने स्थान सुरक्षित करा लिया था। दिन भर घूम घाम कर रात की गाड़ी से पेरिस के लिए रवाना हो गया। पेरिस से गाड़ी बदलकर कैले पहुंचा। वहां फिर जहाज पर चढ़कर संध्या होते होते डोवर में उतरा। डोवर से रेलगाड़ी में चढ़कर रात के करीब 9 बजे लंदन पहुंच गया। मैं मार्च के तीसरे सप्ताह में लंदन पहुंचा था। स्टेशन पर पहले से वहां पहुंचे हुए मित्र मिल गए। मैं सीधा उस मकान में चला गया जो पहले ही ले लिया गया था। वह गोल्डर्स ग्रीन में था। हम लोग कुछ दिनों तक वहीं ठहरे। मैं लंदन एक मुकदमे के सिलसिले में गया था। मुकदमे से छुट्टी पाकर मैं स्विट्जरलैंड गया। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं रोमा रोला से मिलूं, पर उनके घर पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि वे गर्मी के कारण कार्टरिगी पहाड़ी पर गए हैं। मैं वहां चला गया। रास्ता सुंदर था। रेलगाड़ी ऊंचे पहाड़ पर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ती गई। 2 दिनों तक वहां रहा। वहां रोमा रोला से हमारी बातचीत भी हुई। कठिनाई यह हुई कि मैं फ्रांसीसी नहीं जानता था और वे अंग्रेजी नहीं जानते थे, इसलिए एक दुभाषीय की सहायता लेनी पड़ी। दुभाषीय मतलब जो दोनों भाषाओं का ज्ञाता हो और उसका अनुवाद करके एक दूसरे को बता पाए। तो देखिए फिर बताते हैं कि वहां से चलकर मैंने वर्नवेल, न्यूटाटेल, लोसान और जिनेवा शहरों को देखा। न्यूटाटेल में एक आश्चर्यजनक घटना हुई। मैं वहां बाजार में घूम रहा था, एक दुकान में हाथ के बुने कपड़े देखने लगा। दुकानदार महिला थी। उसने मेरे कपड़ों को देखा और समझ लिया कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। उस महिला ने गांधी जी के बारे में बताया। मुझे आश्चर्य हुआ कि वह न केवल गांधी जी का नाम जानती थी बल्कि उनके संबंध में जो ग्रंथ उसे मिल सके उन्हें वह पढ़ गई थी। बता रहे हैं कि मुझे आश्चर्य हुआ कि वह न केवल गांधी जी का नाम जानती थी बल्कि उनके संबंध में जो ग्रंथ उसे मिल सके उन्हें वह पढ़ भी गई थी। वहां से फिर लंदन लौट आया। लंदन से मैं हॉलैंड गया। वहां उन दिनों युवकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था। मैंने भी उसमें भाषण दिया। सम्मेलन युद्ध विरोधी युवकों का था। वहां से बर्लिन गया। घूम घूम कर बर्लिन देखा। बर्लिन से लिप्जिग पहुंचा और वहां एक दिन ठहरा। वहां प्रसिद्ध जल चिकित्सक लुई कोहने से मिलने का विचार हुआ, पर ज्ञात हुआ कि मेरे पहुंचने से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो चुकी है। फिर अपने यात्रा क्रम के अनुसार म्यूनिख पहुंचा। वहां पर प्रसिद्ध सेलर हाउस देखा जहां हिटलर के भाषण हुआ करते थे। वहां का प्रसिद्ध अजायब घर भी देखा। म्यूनिख से बेनिस गया। यह अजीब शहर है। घर घर में समुद्र है। नाव के सिवा दूसरी सवारी वहां नहीं चलती। पानी के बीच चट्टाने हैं, उन्हीं पर मकान बने हुए हैं। मच्छरों की भरमार है। मसहरी में भी नींद आना कठिन है। वेनिस से रोम पहुंचा। वहां के सभी प्रसिद्ध स्थान देखकर मार्सेल्स के लिए रवाना हुआ।
मार्सल से मुल्तान जहाज पर सवार हुआ और मुंबई आ उतरा। तो ये था आपका ये लेसन, मेरी यूरोप यात्रा। तो आज बस इतना ही, आगे कल। आज आपका होमवर्क है, जितना भी मैं आपको आज ये पढ़ाई हूँ आप ये इसको फिर से पढ़ेंगे। थैंक यू।